छिपाकर रखा और सूंड को प्रकट करके रखा। मानो उदाहरण देना चाहते हो, अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का अपने भगवान का परिचय बता देना चाहिए। है? ये गणेश जी के रूप में है, अपना परिचय छिपा लेना चाहिए अपने। अभी हम दिल्ली में चले आ रहे थे, मरघट वाले हनुमान जी तरफ से आए, तिवारी जी गाड़ी चला रहे थे, त्यागी जी भी बैठे थे, मनोज त्यागी जी बैनर लगा था, अब बुरा ना मानना, कल बदलवाना भी मत, ऐसे ही रहना। जिन्होंने भी बैनर लगाया वो पता नहीं है हमें, उसमें हमारी फोटो तो एकदम छोटी सी चिपकी और हमारे दोनों चेले बड़े बड़े छपे। बिंदल जी बगल में प्रधान गाड़ी में हंसने लगे, हम कह लो फिर से कांड हो गया। तो बगल में बैठे पीछे बैठे थे पंडित जी, बोले क्या हुआ? हम कहा जरा बोर्ड को देखो, चेले छपे हैं, गुरु जी छिपे हैं। अच्छा बिंदल जी बुरा ना मानना, बैनर मत उतरवाना, आपने लगवाए बहुत अच्छे लगवाए, वो तो गली गली लगे, गली गली में सो रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन बिंदल जी बुरा ना मानना, सच में हम बिल्कुल कोने में एक कोष्टक के बगल में, पर एक बात बोले, गुरु तो आखिर गुरु होता है, अब चेले छिपे बैठे, गुरु छपे बैठे। अब जितने लोग यहाँ पंडाल में आए वो तुम्हें नहीं देख रहे, हमें देख रहे, बस इसी का नाम है गुरु। गुरु होता है, चेला आखिर चेला होता है। तो कोई कितना भी रौब जमाए, आइए बुरा ना मानना, अब बैठ इर्द गिर्द खड़े होकर के फोटो खिंचाने से किरदार बड़ा नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैनर हटवाओ, हम तो मजाक में बोल रहे हैं, बहुत मजाक में विनोद में बोल रहे हैं। अच्छा ये गणेश जी का स्वरूप है, ये हम नहीं कह रहे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। गणेश जी का स्वरूप क्या, सूंड बाहर है मुंह भीतर है। मानो अपने प्रभु यानी पिता परब्रह्म परमात्मा आप छिपना चाहिए, अपने गुरु को और भगवान को छपना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये गणेश जी से पांचवी शिक्षा है। अच्छा गणेश जी से क्या शिक्षा ले सकते, पहली शिक्षा गणेश जी से ले सकते, गणेश जी के पास जा से क्या होगा, विघ्न मिटेगा, बुद्धि मिलेगी, रिद्धि